स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड बीएबीएससी फोर्थ सेम की बुक का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड मेथड है, जिसका नाम क्या है, सेकंड मेथड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला हमारा इस टाइप से है, जैसे जो हमारा रेगुलर फालसी मेथड होता था ना, कुछ कुछ फॉर्मूला उसी टाइप का है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था वहाँ कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड से स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। मतलब यहाँ टू होगा तो यहाँ ज़ीरो होगा, यहाँ थ्री होगा तो यहाँ वन होगा, मतलब यहाँ आई प्लस वन होगा तो यहाँ आई माइनस वन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आई के वैल्यू वन पुट कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा टू, और यहाँ क्या हो जाएगा ज़ीरो। ओके, तो इस तरीके से फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ आई माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस आई माइनस वन। अगर मतलब हम इसको सिर्फ कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टू से ही स्टार्ट करेंगे। क्यों टू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी। ओके, तो अगर हम वन पुट करेंगे यहाँ आई की वैल्यू, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये टू से, मतलब एक्स टू इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस, यहाँ फिर क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स नॉट। सिमिलर अगर हम एफ थ्री यहाँ से एक्स थ्री निकाल सकते हैं, एक्स फोर एक्स फाइव इटरेशंस हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे किस चीज़ का फॉर्मूला है, सेकंड मेथड का। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, देखिए वो कैसे होगा। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बाई सेकेंड मेथड करेक्ट टू फोर डेसिमल प्लेसेस। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर रूट निकालना है इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन का, और कौन से मेथड से, सेकेंड मेथड से। तो हमें ये क्या दे रखा होता है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, हमने इतने सारे लेक्चर कर लिए हैं इस चैप्टर के, तो हमें पता चल गया है कि जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारी, एफ ऑफ एक्स। देखो जो ये वाला मेथड है ना, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना, स्टार्टिंग में हमें ये पता चलेगा कि किसके बीच में रूट लाई कर रहा है। आगे हमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, डायरेक्ट जो वैल्यू हमारी आती जाएंगी उनको हम पुट करते जाएंगे। इसलिए इस मेथड में तो बिल्कुल हमें कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी, जो जो वैल्यू आती जाएंगी डायरेक्ट हमें सिर्फ फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। जैसे पहले तो हमें देखना पड़ता था नंबर लाइन के ऊपर कि ये वाली वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई, ये उन दोनों के बीच की वैल्यू आई, कि इन दोनों के बीच में रूट होगा या इन दोनों के बीच में रूट होगा। इस वाले मेथड में ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने पहले किए हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइंस के अकॉर्डिंग, इसमें ऐसा नहीं है। बस स्टार्टिंग में आप जरूर देखेंगे कि रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, बाद में आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं देखना है। ओके, तो ये और भी इजी मेथड हो गया। और रेगुलर फालसी मेथड और सीक्रेट मेथड में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। देखो क्या है, हमने ये क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर ज़ीरो और वन पुट करके देखेंगे। जब हमने इसके अंदर ज़ीरो पुट करी तो क्या आया, कोस ज़ीरो माइनस ज़ीरो, कोस ज़ीरो क्या होता है वन, माइनस ज़ीरो मतलब वन आ गया। जब हमने इसके अंदर वन पुट किया तो क्या आ गया, कोस वन माइनस वन ई की पावर वन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो कोस वन, इस तरीके से आप कोस वन की वैल्यू निकाल लोगे। एंड ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे शिफ्ट ई, वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी 1.7165, एंड देन इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपका ये आ जाएगा। ओके, अब देखो जैसे ये वाली टर्म तो आपकी कैसी है, पॉजिटिव, ये वाली टर्म कैसी है, नेगेटिव, तो रूट किसके बीच में लाई कर जाएगा, इन दोनों के बीच में। ओके, मतलब सीधी सी बात क्या हुई कि जो हमारा यहाँ से एक्स नोट क्या आ गया, ज़ीरो, एक्स वन क्या आ गया वन, एंड एफ ऑफ एक्स नोट फिर क्या आ गया वन, एंड एफ ऑफ एक्स वन क्या आ गया माइनस ऑफ 2.17798। ओके, तो हमें यहाँ से ये कंडीशंस का पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इटरेशंस लगाते हैं। जैसे इटरेशन नंबर वन करो, ठीक है, हम मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहाँ से शुरू होगा, जो सेकंड मेथड है वो एक्स टू से शुरू होगा। फॉर्मूला क्या, अगर यहाँ टू है तो यहाँ ज़ीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। फिर एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, एक्स वन की वन, ये मैंने आपको पहले बता दी। उसके बाद जो ये वैल्यूज़ हैं वो हम इसके अंदर कर देंगे पुट,
एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 0 - 1 - 0 अपॉन दिस इंटू 1। तो इसको सिर्फ आपको कैलकुलेटर के साथ सिंपल सॉल्व करके देखना है और ये आपका ये आ जाएगा। फिर जैसे हम सारे मेथड्स में करते हैं, जो वैल्यू आ गई उसको हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। एफ ऑफ 0.31467 इसके अंदर पुट करो, मतलब क्या करेंगे, कोस ऑफ 0.31467 माइनस 0.31467 इंटू ई की पावर दिस। जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली तो आपका क्या आ जाएगा ये। ओके, अब हमारा ये क्या आया था एक्स टू और ये हमारा क्या आ गया एफ ऑफ एक्स टू। ओके, फिर हम करेंगे नेक्स्ट इटरेशन। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इटरेशंस देखने। जैसे फर्स्ट इटरेशन हो गई, अब हम करेंगे सेकंड इटरेशन। यहाँ फर्स्ट इटरेशन में एक्स टू निकाला था, नेक्स्ट इटरेशन में हम एक्स थ्री निकालेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब एक्स टू होता है तो एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट होगा, एक्स थ्री है तो एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन अपन एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स वन। अब देखो एक्स वन हमारा क्या था, वन, और एफ ऑफ एक्स वन हमारी ये वाली टर्म थी। अब हमने इस इटरेशन से एक्स टू की वैल्यू निकाल ली थी और एफ ऑफ एक्स टू की निकाल ली थी। अब ये वाली सारी टर्म्स हम कर देंगे इसके अंदर पुट, तो एक्स थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स वन। जब इनको हम सिंपल कैलकुलेटर के साथ सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब जो ये एक्स थ्री की वैल्यू आई है वो वापस हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ 0.44673 की वैल्यू आ जाएगी। जब हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारी ये टर्म आ गई, तो हमारी एक्स थ्री भी आ गई, एफ ऑफ एक्स थ्री भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इटरेशन नंबर थ्री निकालेंगे। इटरेशन नंबर थ्री में हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स फोर की, और फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स टू माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स टू अपॉन एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स टू। एक्स टू की वैल्यू हमारी क्या थी, इधर से ये, एंड एफ ऑफ एक्स टू की ये। एक्स थ्री की वैल्यू हमारी थी ये, एंड एफ ऑफ एक्स थ्री की हमारी वैल्यू थी ये। इस फॉर्मूला के अंदर हम पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारा सिंपल सॉल्व करने से ये आ गया। सिमिलर फिर हम एफ ऑफ एक्स फोर निकालेंगे, मतलब जो ये वैल्यू आई है उसको एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन इटरेशन नंबर फोर, एक्स फाइव की वैल्यू निकलेगी, मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स फोर माइनस एक्स थ्री अपॉन एफ ऑफ एक्स फोर माइनस एफ ऑफ एक्स थ्री इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री। अब देखो एक्स थ्री की वैल्यू हमारी आई थी ये, हमारा एफ ऑफ एक्स थ्री, देन ये हमारा एक्स फोर एंड एफ ऑफ एक्स फोर। ये सारी की सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, सिंपल कैलकुलेटर से सोल्व करके ये आ जाएगा। देन इस जो ये इक्वेशन है वापस एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, एंड पुट करने से हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब फिर हम इटरेशन करेंगे। इटरेशन कब तक करनी है, जब तक पॉइंट के बाद वाले कितने तक, कितने, देखो ये बोल रखा है ना कि अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस, जब तक पॉइंट के बाद चार डेसिमल प्लेसेस तक हमारा करेक्ट सेम आंसर ना आ जाए, जब तक हमें करते जाएँ। देखो क्या है, 5317 5, ये तो अभी एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो अभी हमें और भी इटरेशन करनी पड़ेंगी। तो इटरेशन नंबर फाइव करो, उसमें एक्स सिक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स फोर माइनस एक्स फाइव माइनस एक्स फोर अपॉन एफ ऑफ एक्स फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स फोर इंटू एफ ऑफ एक्स फोर। फिर देखो एक्स फोर की वैल्यू हमारी क्या थी ये, एंड एफ ऑफ एक्स फोर की वैल्यू हमारी ये थी। एक्स फाइव की वैल्यू हमारी क्या थी ये, एंड एफ ऑफ एक्स फाइव की वैल्यू हमारी ये थी। ये सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट करके सिंपल सॉल्व करो, हमारा ये बन जाएगा। फिर जो हमारा एक्स सिक्स आया है वापस से हम एफ ऑफ इसके अंदर पुट कर देंगे और हमारी टर्म आ जाएगी देखो 0.00। अगर हमें चार डेसिमल तक प्लेसेस तक निकालना है तो आपका ये आ जाएगा 0.000। ओके, अब देखो वैसे तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि ये पुट करने से हमारा रूट का आंसर क्या आ गया, ज़ीरो, तो इसी के हमारे जो पहले चार अक्षर होंगे ना 0.5177 हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इतना। ओके, वरना आप चाहो तो एक और इटरेशन कर दो, जैसे हमने इटरेशन नंबर सिक्स कर दी जिसमें एक्स सेवन की वैल्यू आ गई एक्स फाइव माइनस एक्स सिक्स माइनस एक्स फाइव अपॉन एफ ऑफ एक्स सिक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइव इंटू एफ ऑफ एक्स फाइव। ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, फिर एक्स सेवन की वैल्यू आ गई आपकी 0.51776। ओके, अब देखो पिछली वाली में हमारा क्या आया था,
51775 और ये क्या आ गया 51776। अब देखो पॉइंट के बाद वाले चार अक्षर तो हमारे मैच हो गए और ये क्या ही बोला था इन्होंने कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो जो हमारा रूट है वो क्या बन गया, ये बन गया 0.5177। ओके तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सिंपल, पहले हमारा फॉर्मूला था ये वाला, अगर 2 है तो 0, यहाँ 3 है तो यहाँ 1, 4 है तो यहाँ 2, इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है। जो हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है स्टार्टिंग में, तो हम ये देख लेंगे कि किस किस के बीच में रूट होगा, देन इटरेशंस लगाने, सिंपल बिल्कुल। पहले एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू आएगी, फिर एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स थ्री की, एक्स फोर एफ ऑफ एक्स फोर की, और नेक्स्ट फॉर्मूले में बस पुट करते जाना है नेक्स्ट नेक्स्ट में। जो इसका इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, जैसे इस एग्जांपल में तो आपकी इटरेशंस बुक वाले ने सोल्व भी नहीं करके दिखा रखे थे, इस वजह से मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट सोल्व करके दिखा दिया वो ये वाला क्वेश्चन। बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट सोल्व करके दिखा रखा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप जरूर कर लेना। ओके, अगर उसमें भी कोई डाउट आए तो बता देना कमेंट में, और इसमें हो तो भी बता देना। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।